सो हे व्यूअर्स, पॉर्क तो भाई आज एक नए वीडियो के साथ आ गए। तो मेनली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना टाइम से वीडियो के नहीं डाल रहे थे, तो इसका एक फैमिली रीज़न है, तो हम इसको शायद नहीं शेयर करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए आर्केड मोड खेल रहे थे, क्योंकि 10-15 दिन से तो हम खेले नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हम आर्केड मोड खेल रहे थे कुछ मैचेस में। तो यहाँ पे उतरते ही हमको शॉटगन मिल जाता है, बंदा का फुटस्टेप्स आसपास से आने लगता है, लेकिन बंदा रहता नहीं हो, थोड़ा दूर रहता है। यहाँ पे हमको M762+4X मिल जाता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सेंसी अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो हम अपना 4X का सेंसी 215 रखते हैं। तो भाई गेम शुरू होता है, यहाँ पे मेरा रशिंग शुरू हो जाता है। वैसे हमको 1v4 करना था, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना था, लेकिन पता नहीं यूट्यूब का बोल रहे पबजी का कुछ ग्लिच है जिसके वजह से नहीं हो पाया। हम किए थे ऑटो मैचिंग वाला बंद, लेकिन तब भी हो गया, गलत सीन था। तो यहाँ पे इतना मारे है ना भाई, आप देखिएगा यहाँ पे हमको वापस कुछ कर पाया, तो 4x लेके तो यहीं पर स्टॉप कर दिए स्प्रे से। अब हमको अभी यहाँ से और कुछ कर पा रहा था, यहाँ पे मेरा किल चोरी करने का कोशिश किया, तो इसको भी हम नॉक कर दिए और इसको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया ना हो। अब इसका एक बंदा आएगा बदला लेने मेरे से, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमको फुटस्टेप आने लगा, ये रहा बंदा। यहाँ पे ना मतलब एक्चुअली में मेरा जो फ्रेम ड्रॉप बहुत गंदा हो गया था, यहाँ पे हम शायद यहाँ पे मर सकते थे, लेकिन बच गए। यहाँ पे मेरा हाथ रुक नहीं रहा था, उंगली रुक नहीं रहा था। यहाँ पे हमको बंदा दिखाई दिया, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे आराम से नॉक कर देते हैं। मतलब भाई इतना ज़्यादा भी हम किल कर रहे थे, यहाँ पे जितना भी अभी बंदा बाकी है ना, सबको हम ही मारेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ऊपर गए, तो हमको फुटस्टेप्स आ गया था कि ऊपर में भी इसका एक बंदा है, मतलब इसके आगे वाले घर में था। यहाँ पे हमको बंदा दिखाई दिया, हम यहाँ पे सोचे कि कूदेंगे तो यहाँ इसके नीचे वाले में पहुँच के। तो यहाँ पे हमको पता है कि बंदा कहाँ पे, तो हम सीधा रश करते हैं भाई। यहाँ पे पहले पीछे देख लेते हैं एक बार बंदा, यहाँ पे बंदा रहता है तो यहाँ पे आराम से नॉक करते हैं, और यहाँ पे इसका दूसरा बंदा रहता है तो हम उसको फिनिश कर देते हैं, और ये डुओ वाइप हो जाता है। और यहाँ पे उन लोग का आखिरी, मतलब एक आखिरी बंदा बचा हुआ था, जिसको भी मेरे ही हत्थे लगना था। तो यहाँ पे अभी देखिए, वो बहुत घुमाया था भाई साहब, दिमाग ख़राब कर दिया था इतना घुमाया था। तो यहाँ पे हम रश करने के लिए निकल गए, यहाँ पे मेरे टीममेट को वो डैमेज दिया था, तो अभी हम सोच लिए कि अभी रश ही करना है, क्योंकि होल्ड बैक करके वैसे भी स्किल्स में उतना इम्प्रूवमेंट होने नहीं वाला है। तो हम सोचे सीधा रश करो भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए अभी कैसे घुमाएगा, हम यहाँ ऊपर ढूंढ रहे, वो नीचे रहता, जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो मेरे टीममेट, ऐसा टीममेट रहता है ना भाई, दिमाग ख़राब कर देता है सब साला। तो यहाँ पे अभी हम हील अप किए और यहाँ पे फिर बंदा को ढूंढने के लिए निकल गया। तो अब हमको फाइनल आइडिया लग गया था कि बंदा है कहाँ, तो अब सीधा हम यहाँ पे रश करते हैं। तो यहाँ पे जोन कट रहा था, लेकिन तब भी मेरे हाथे लग गया और मर गया। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।